नमस्कार, आप देख रहे हैं लुक मीडिया। मेरा नाम है शाश्वत। सोशल मीडिया पर एक चीज़ जो बहुत तेज़ी से लोगों द्वारा लिखी जा रही है मीडिया चैनल्स को लेके, कि मीडिया चैनल्स सिर्फ सकारात्मक खबर दिखाएं, सरकार पर सवाल क्यों उठा रहे हैं, ऑक्सीजन नहीं है या वेंटिलेटर नहीं है, ये सवाल क्यों खड़े कर रहे हैं। तो आज हम आपके पास इसका जवाब लेकर आए हैं। BBC ने एक रिपोर्ट जारी की है जिसके मुताबिक कितने वेंटिलेटर का ऑर्डर दिया गया, कितने बने और कितने बेकार पड़े रहे, इसकी पड़ताल की गई है। सबसे पहले आपको बता दें कि एक सवाल का जवाब जो लोग कहते हैं कि कोरोना महामारी जो दोबारा आई इसके बारे में किसी को पता नहीं था, ये बात बिल्कुल सही है कि दूसरा स्ट्रेन कब आएगा कोई नहीं जानता था। पर सरकार COVID-19 के पहले स्ट्रेन यानी जो कि 2020 में आया था उसको देखते हुए एक बात अच्छे तरीके से जानती थी कि जब लोग संक्रमित होंगे तो सबसे ज़्यादा तकलीफ उन्हें सांस लेने में होगी और देश में वेंटिलेटर की बड़ी कमी है। वेंटिलेटर एक तरह का मेडिकल डिवाइस होता है जो संक्रमित हो चुके इंसानी फेफड़ों के कमज़ोर होने पर उसे ज़रूरी ऑक्सीजन देकर काम करने की स्थिति में बनाए रखता है। इसी बीच सरकार ने एक नया फंड शुरू किया जिसका नाम था PM केयर्स फंड। हालांकि प्रधानमंत्री राहत कोष पहले से मौजूद है, लेकिन उसके बाद PM केयर फंड 27 मार्च 2020 को शुरू किया गया। इसमें जानी मानी हस्तियों, औद्योगिक घरानों ने बड़ी रकम दान की। इस फंड के लिए पैसे देने वालों को CSR के तहत टैक्स में छूट की सुविधा दी गई। यहाँ तक कि कई मंत्रालयों और सार्वजनिक निगमों में लोगों की सैलरी का हिस्सा काट कर PM केयर्स में डोनेट करवाया गया। हालांकि फंड में कितने पैसे जुटे, उन पैसों का क्या हुआ, इसकी जानकारी आपको नहीं मिल सकती क्योंकि सरकार ने इसे सूचना के अधिकार के दायरे से बाहर रखा है। अब बात करते हैं वेंटिलेटर्स की। 18 मई 2020 को प्रधानमंत्री के सलाहकार भास्कर कुलबे ने स्वास्थ्य मंत्रालय को चिट्ठी लिखी और कहा कि 50,000 मेड इन इंडिया वेंटिलेटर्स का ऑर्डर दे दिया जाए। इसके बाद स्वास्थ्य मंत्रालय ने प्रक्रिया शुरू की और ये प्रक्रिया शुरू होते होते साल 2020 के अंत में वेंटिलेटर्स के ऑर्डर दिए गए, जिसमें 50,000 वेंटिलेटर्स के ऑर्डर दिए गए थे। BBC की रिपोर्ट के मुताबिक और सामाजिक कार्यकर्ता अंजलि भारद्वाज की एक RTI के मुताबिक पता ये चलता है कि अलग अलग कंपनियां, जिसमें भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड जिसको 30,000 वेंटिलेटर बनाने का कॉन्ट्रैक्ट मिला और नोएडा कंपनी एग्वा हेल्थ केयर जिसको 10,000 वेंटिलेटर बनाने का ऑर्डर मिला, इसके अलावा अन्य कंपनियों को मिला। पर एक साल बाद होता ये है कि आखिर में सिर्फ 29,065 वेंटिलेटर ही सप्लाई होते हैं, जबकि ज़रूरत पड़ती है 1.5 लाख से अधिक वेंटिलेटरों की। तो ऑर्डर हुए 50,000, ज़रूरत थी 1.5 लाख की और मिले सिर्फ 29,000। इन 29,000 को अलग अलग राज्यों में दिया गया, लेकिन राज्यों की भी एक हकीकत है कि कई जगह वेंटिलेटर धूल खा रहे हैं क्योंकि या तो उन्हें इंस्टॉल नहीं किया गया है या सरकार ने ज़रूरी दिशा निर्देश और ट्रेनिंग नहीं दी है डॉक्टर्स को वेंटिलेटर कैसे इस्तेमाल किया जाए। इन सब के बाद भी अगर आपको लगता है कि सरकार सवाल उठाना गैरवाजिब है तो अपना रिस्पॉन्स हमें कमेंट करके बताएं। और ताज़ा खबरों के लिए देखते रहिए लुक मीडिया। एक मिनट हमारे साथ।